मूवी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसका अचानक से टायर ब्लास्ट हो जाता है। जब गाड़ी का मालिक बाहर आकर के अपने टायर को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जब ये अपनी गाड़ी की डिक्की को खोल करके देखता है तो इसे उसमें स्टेफनी नजर नहीं आती, जिससे ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो खून में लथपथ इसकी गाड़ी में पड़ा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि इसने उस आदमी की बड़ी बेरहमी से धुलाई करने के बाद उसे अपनी गाड़ी में डाल दिया था। तभी आदमी एक दूसरी गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और उससे लिफ्ट लेकर के उसमें बैठ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस गाड़ी में इसने लिफ्ट ली है उसे एक पादरी चला रहा है। अब यह आदमी अचानक से अपने गन निकालता है और उस पादरी को गोली मार देता है। इसके बाद यह आदमी पादरी के कपड़े उतार करके खुद पहन लेता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है ताकि लोग इसे पादरी समझ करके आसानी से लिफ्ट दे दे। तभी इसे सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसे एक खूबसूरत लड़की मैग्नोलिया चला रही थी। ये उससे लिफ्ट लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। जब मैग्नोलिया गाड़ी चलाने लगती है तभी ये आदमी उसे गंदे तरीके से छूना शुरू कर देता है। अब जैसे ही गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंचती है ये उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अब मैग्नोलिया जैसे ही गाड़ी को रोकती है ये आदमी उसे खींच करके बाहर लाता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब इसे होश आता है तब ये देखती है कि वो आदमी इसके साथ बलात्कार कर रहा था। तब ये अपनी हेयर पिन निकालती है और उसके गले पर वार करके उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर ये उसकी लाश को एक बॉडी पैक में डाल करके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख देती है। अब जाने से पहले ये अपने हुलियों को सुधारती है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि इसके साथ बलात्कार किया गया था। फिर थोड़ी देर बाद ये कैलिफोर्निया के गैस स्टेशन पर पहुंचती है और फ्यूल भरने लगती है। तभी यहाँ पर चक नाम का एक आदमी आता है जो इस गैस स्टेशन का मालिक था। वो मैग्नोलिया से कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब वो साफ मना कर देती है। ये सुनकर चक हेरोल्ड नाम के एक दूसरे आदमी के पास चला जाता है। दरअसल हेरोल्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो मैग्नोलिया को बड़े ही गौर से देख रहा था। अब फ्यूल भरने के बाद मैग्नोलिया अपने घर पर पहुंच जाती है जहां पर हम आंटी लीज नाम की एक औरत को देखते हैं जो मैग्नोलिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम इतनी देर तक कहां थी। तब मैग्नोलिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक शानदार बॉडी लेकर के आई हूं। ये सुनकर केली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई लेरी को बॉडी गाड़ी में से निकालने के लिए कहती है। तब लेरी उस बॉडी को गाड़ी में से निकालता है और बेसमेंट में फेंक देता है। तभी हम फोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ली की दूसरी भतीजी है। ये अभी अपने कस्टमर को पाइस की डिलीवरी देने के लिए आई हुई थी। इनके पाइस कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ पर ये कस्टमर फोन से पूछता है कि आखिर तुम ये रेसिपी बनाते कैसे हो। तब फोन कहती है कि आंटी ली अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को भी नहीं बताती। फिर डिलीवरी देने के बाद फोन यहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे बॉब नाम का एक लड़का मिलता है जिसे वो अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। थोड़ी दूर जाने के बाद फोन उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर लंच करने के लिए चलना चाहिए, वहाँ पर मैं तुम्हें कैलिफोर्निया के फेमस पाइज खिलाऊंगी। तब बॉब अपने आप को वेजिटेरियन कहकर के उसे मना कर देता है, लेकिन फोन जब बहुत ज्यादा फोर्स करती है तब बॉब भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब फोन उसे लेकर के घर पहुँचती है और ये दोनों मेकआउट करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फोन उससे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आंटी से मिलकर के आती हूँ। इतना कहकर के वो नीचे चली जाती है और बॉब ऐसे ही घूमता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और बॉब से कहती है कि इस दूसरे रूम में एक फ्रिज है, उसमें वाइन पड़ी हुई है, प्लीज उसे लेकर के आ जाओ। अब बॉब जैसे ही उस रूम में जाता है फोन बाहर से दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो बाहर से एक बटन दबाती है, तब ये कुल्हाड़ी आकर के बॉब के गले पर लगती है और उसका असर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी बॉडी फौरन बेसमेंट में पहुंच जाती है। फिर हम आंटी ली की तीसरी भतीजी कोरल को देखते हैं जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। तभी यहाँ पर कोल नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो जब कोरल को मुसीबत में देखता है तो उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब वो जैसे ही कोरल को लेकर के घर पहुँचता है ली बाहर ही खड़ी हुई थी। वो उस पुलिस ऑफिसर को थैंक्स कहते हुए उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है, साथ ही ये भी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ के फेमस मीट पाइस खिलाऊंगी। फिर जब वो घर में जाता है तो ली उसे मीट पाइस ला करके देती है। वो जैसे ही उन्हें खाता है ली से कहता है कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे लेरी मिलता है। तब कॉल उसके सिर पर चोट के निशान को देखता है जिससे खून बह रहा था। तब कॉल उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर के लेरी कहता है कि मैं कोरल की गाड़ी को लेने जा रहा हूँ। तब कॉल उसे लिफ्ट दे देता है और ये कोरल की गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमली को
देखते हैं जो मैग्नोलिया पर गुस्सा कर रही थी और उसे कह रही थी कि कोरल और स्काई ने कुछ गेस्ट को बुलाया है तो तुम उनके साथ अच्छा बिहेव करना। फिर वो मैग्नोलिया को मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और साथ ये भी कहती है कि रास्ते में किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। अब इसके बाद मैग्नोलिया मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी हम कोल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात हेरोल्ड से होती है। तब हेरोल्ड उसे कहता है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं और बॉब नाम के एक लड़के को ढूंढने के लिए आया हूं। फिर वो कोल को बॉब का फोटो देते हुए कहता है कि ये न्यूयॉर्क के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। ये सुनकर के कोल उसे कहता है कि मैं जल्दी ही इस लड़के को ढूंढ निकालूंगा। उधर हम मैग्नोलिया को देखते हैं जो सामान लेने के लिए शहर पहुंच चुकी थी। जब उसकी नजर हेरोल्ड पर पड़ती है तो वो उसे देखकर के मुस्कुराने लगती है। तब हेरोल्ड भी उसकी खूबसूरती देखकर के उस पर फिदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कोरल और स्काई को देखते हैं जो एक जगह पर खड़े होकर के अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। उधर लेरी भी अपने पास वाली सीट पर टायर को रख कर के वहाँ से निकलने वाला था। उधर मैग्नोलिया डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाती है। तभी हेरोल्ड भी उसके पीछे पीछे स्टोर के अंदर आ जाता है और मैग्नोलिया से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार गैस स्टेशन पर देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मैग्नोलिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए स्टोर से बाहर आ जाती है। अब हेरोल्ड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर वो मैग्नोलिया को बॉब का फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने कहीं इस लड़के को देखा है। तब मैग्नोलिया कहती है कि नहीं। फिर वो हेरोल्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आ सकते हो। तब वो कहता है कि पहले मैं बॉब को ढूंढूंगा उसके बाद ही तुम्हारे घर पर आऊंगा। इसके बाद मैग्नोलिया यहां से चली जाती है। तभी हम कोरल और स्काई को देखते हैं जिन्हें गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसमें चार म्यूजिशियन बैठे हुए थे। तभी कोरल अपनी गन निकालती है और उनकी गाड़ी के टायर पर निशाना लगा देती है। तभी उनकी गाड़ी पंचर होकर के वहीं पर रुक जाती है। तभी कोरल और स्काई इनकी मदद करने के बहाने से इनके पास पहुंच जाती है और कहती है कि हमारा घर पास में ही है, वहां पर चलकर के तुम मैकेनिक को बुला सकते हो। तब ये चारों उनके साथ आंटी ली के घर पर पहुंच जाते हैं। यहां पर ली एक मैकेनिक को कॉल करके कहती है कि इन लोगों की गाड़ी को जल्दी ठीक कर दे। फिर कोरल और स्काई इन चारों से कहती है कि क्यों ना तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, हम सब मिलकर के पार्टी करेंगे। तब ये चारों भी उनकी बात को मानकर के यहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आंटी ली इनसे कहती है कि तुम सबसे पहले नहा लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार करती हूँ। तभी मैग्नोलिया सामान लेकर के आ जाती है और उन सभी लोगों के नाम को देखने लगती है जिनको इन्होंने मौत के घाट उतारा था। तभी उसे बॉब का नाम मिल जाता है। तब वो ली को बताती है कि इस बॉब नाम के लड़के को फोन यहाँ पर लेकर के आई थी जिसे हमने मौत के घाट उतार दिया है और इस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आया हुआ है। यहाँ पर मैग्नोलिया आंटी ली से कहती है कि अगर उस आदमी को पता चल गया कि बॉब को हमने ऊपर पहुँचा दिया है तो वो यहाँ आकर के हम सब की माँ बहन एक कर देगा। उधर लेरी कोरल की गाड़ी की डिक्की को खोल करके माल चेक कर रहा था। उसी वक्त यहाँ पर कॉल आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। तभी कॉल की नजर इंसानों के जिस्म के टुकड़ों पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। उधर घर में हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो इन चारों म्यूजिशियन को उस मौत के रूम में ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी हम हेरोल्ड को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के पास पहुँच कर के बॉब के बारे में पूछता है। तब वो बूढ़ा बताता है कि यहाँ पास ही में रहने वाली एक लड़की को मैंने उसे गाड़ी में बैठाते हुए देखा था, वो लड़की आंटी ली की भतीजी है। फिर ये बूढ़ा हेरोल्ड से कहता है कि तुम उनसे बचकर के रहना क्योंकि आंटी ली और उसकी चारों भतीजियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनने के बाद हेरोल्ड यहाँ से चला जाता है। उधर हम आंटी ली को देखते हैं जो सबको डिनर कराने से पहले प्रार्थना करवा रही थी। उधर कॉल लेरी को पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और उससे पूछता है कि साले गंजे चुपचाप बता तूने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। यहाँ पर वो लेरी से बॉब के बारे में भी पूछता है। तब लेरी उसे बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचाया है लेकिन मैंने जिन लोगों को भी मारा है मैं उनका नाम नहीं जानता। उधर आंटी ली सबके सामने अपनी पांचवी भतीजी को लेकर के आती है जो उम्र में तो बड़ी थी लेकिन उसकी मेंटल हालत बच्चों की तरह थी। यहाँ पर ली एक आदमी से कहती है कि बेबी को लेकर के एक दूसरे रूम में जाओ। तब वो जाने लगता है और मैग्नोलिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ये देख कर के जॉन नाम का एक लड़का बेबी की मजाक उड़ाने लगता है। तब स्काई उस पर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। ये देख कर के फोन उससे कहती है कि साले चुपचाप जाकर के स्काई से माफी मांगो। तब वो स्काई के पीछे पीछे चला जाता है। उधर वो आदमी बेबी को लेकर के एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक जंजीर लटकी हुई थी। जंजीर को देख कर के वो मैग्नोलिया से पूछता है कि इसको यहां पर क्यों लटकाया गया है। तब मैग्नोलिया कहती है कि बेबी को खिलौने बहुत पसंद है और हम इस जंजीर में उसके खिलौनों को लटकाया करते हैं। फिर मैग्नोलिया इस आदमी से कहती है कि क्या मैं बेबी को खुश करने के लिए तुम्हारे हाथों को इस जंजीर से बांध दूं। तब ये आदमी भी इसके लिए तैयार हो
जाता है और मैग्नोलिया उसके दोनों हाथों को उस जंजीर से बांध देती है। तभी बेबी इस आदमी के पास आती है और उसके कानों में कुछ अजीब से मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर के यह आदमी डरने और घबराने लग जाता है। तभी अचानक से बेबी एक चुड़ैल की तरह उसके गले पर काट लेती है, जिससे यहीं पर उस आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर जॉन स्काई के पास पहुँच करके उससे माफी मांग रहा था। तब स्काई उसे कहती है कि मुझे नीचे जाकर के देखना है कि खाना बना है या नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तब जॉन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों नीचे जाकर के रोमांस करने लगते हैं। उधर हम बाकी दो लड़कियों को देखते हैं जो उन दो लड़कों के साथ बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर आंटी ली आती है और सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर देती है। ये देख करके इन लड़कों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। तब फोन उन्हें कहती है कि आंटी ऐसा इसलिए करती है ताकि हमें किसी तरह का खतरा न हो। इसके बाद फोन एक लड़के को लेकर के अपने रूम में चली जाती है और कोरल दूसरे लड़के को। फिर फोन उस लड़के को एक जगह पर बैठा करके कहती है कि मैं नहा करके आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और उस लड़के को लेटा करके उसके साथ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। ये देख करके वो लड़का हंसने लगता है कि आज तो मजा आ जाएगा। तभी अचानक से फोन एक चाकू निकालती है और उस लड़के पर अंधाधुन वार करके उसका काम तमाम कर देती है। उधर जॉन स्काई के साथ बैठ करके बातें कर रहा था। फिर वो उठता है और एक अलमारी के दरवाजे को जैसे ही खोलता है, तभी अंदर उसे एक इंसान का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, तभी स्काई उसके गले में रस्सी डाल करके उसे लटका देती है और यहीं पर जॉन की भी माँ बहन एक हो जाती है। उधर हम कोरल को देखते हैं जो क्रेग के साथ बैठी हुई थी। तब क्रेग को भी लगने लगता है कि वो तीनों कहाँ चले गए। फिर कोरल क्रेग से कहती है कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। तभी क्रेग देखता है कि मैग्नोलिया मेरे फ्रेंड को इसी पास वाले कमरे में लेकर के गई थी। और वो जैसे ही उस रूम में जाता है, तभी पीछे से मैग्नोलिया उसे मारने की कोशिश करती है। अब उसके वार करने से पहले ही कोरल उसे बाहर खींच लेती है और अपने रूम में ले जाती है और उसे एक जगह पर लेटा करके उसकी पूरी बॉडी पर पेंट लगाना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक से उस पर हमला करती है और चंद्रयान में बैठा करके ऊपर पहुंचा देती है। इन लोगों ने उन चारों म्यूजिशियन को मार करके उनकी माँ बहन एक कर दी थी। फिर इसके बाद ये सभी लड़कियां आंटी ली के साथ मिलकर के उन लड़कों की बॉडी के पाइस बना रही थी। तभी अचानक से इनके घर की डोरबेल बजती है। मैग्नोलिया जाकर के जब दरवाजे को खोलती है तो सामने हेरोल्ड खड़ा था। वो उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है। तब हेरोल्ड कहता है कि मैं डिनर करने नहीं बल्कि बॉब को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद मैग्नोलिया उसे स्विमिंग पूल के पास ले जाती है, जहाँ पर फोन नहा रही थी। फोन हेरोल्ड को देख करके उसे पानी में खींच लेती है। तभी मैग्नोलिया, कोरल और स्काई भी पानी में आ जाती है और हेरोल्ड के साथ नहाना शुरू कर देती है। अब इन चार हसीनाओं को देख करके हेरोल्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक से ये चारों चाकू निकालती है और उसी पानी में उसका काम तमाम कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद कोल लेरी को लेकर के आंटी ली के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कोल आंटी ली को बताता है कि लेरी ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। ये सुनकर के ली समझ जाती है कि लेरी ने सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया है। फिर वो कोल के गले लग कर के रोने का नाटक करती है। फिर ये सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर फोन कोल से कहती है कि प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तब कोल कहता है कि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए इसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर के आंटी ली फोन को इशारा करती है। अब फोन सिंक के पास जाकर के कोल से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, शायद इसमें कुछ फंस गया है। कोल सिंक के पास जाकर के जैसे उसमें हाथ डालता है, तभी आंटी ली एक बटन को दबा देती है, जिससे कोल का हाथ उसमें फंस जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। तब आंटी ली उसके पास आती है और उसकी गन निकाल करके कहती है कि मेरे भाई को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो कोल को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आंटी लीज मीट पाइस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।